दोस्तों, मैं विजय यादव आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल के अंदर। आज हम देखेंगे कि मोबाइल से प्रिंट आउट कैसे करें। इसके लिए हमें चाहिए एक प्रिंटर, मोबाइल फोन चाहिए होगा और हमें एक OTP केबल चाहिए होगी। एक छोटा सा एप्लीकेशन चाहिए होगा जो हमने पहले से इंस्टॉल कर रखा है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और OTG ऑप्शन, इसको ऑन करना होगा हमें। OTG ऑप्शन ऑन करते ही हमारे पास ये प्रिंटर आ जाएगा, ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा जो भी प्रिंटर होगा हमारे पास। जैसे 1005 प्रिंटर है और यहाँ पे यस रिक्वायर के अंदर हमें यस करना है इसके अंदर। और ये इसलिए है कि हमें इसमें लिखा हुआ टू प्रिंट टू नेवर प्रिंट्स By need to install update driver packs, it is free. You need at least 4 MB on SD card. मतलब आप कभी भी, आप नेक्स्ट टाइम जब है तो आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब भी आप प्रिंट करेंगे तो आपको ड्राइवर चाहिए होगा। पर एक बार जब अपडेट हो जाएगा आपके SD कार्ड में, 4 MB का फाइल है, तो आपको कभी भी इंटरनेट की जरूरत नहीं होगी। डायरेक्ट आप इसके अंदर OTG केबल से प्रिंटर को लगाएंगे और डाउनलोड अपने आप ही वो प्रिंट आउट के लिए तैयार हो जाएगा, डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अब इसके बाद ये 100% हो गया। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है हमारे पास कि आप इसको स्किप करना चाहते हो या प्रिंट टेस्ट करना चाहते हो। तो सबसे पहले हम इसमें प्रिंट टेस्ट करके देखेंगे कि वास्तव में प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। टेस्ट कर लिया, या हमारे पास ऑप्शन आ रहा है और हमने प्रिंट का ऑप्शन दे दिया, कर दिया हमने। अभी सेंडिंग कमांड कर रहा है 100% फिनिशिंग प्रिंट और ये सेंड द प्रिंट जॉब्स। अब हम देख लेते हैं, मैंने अपना बैक कैमरा ही चालू कर रखा है और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे प्रिंटर से ये प्रिंट आउट निकल रहा है और जैसा हमने देखा था वैसा ही प्रिंट आउट निकला। इसमें हमारे पास फाइल है, को भी हम PDF किया। यहाँ पे कह रहा है कि टू ओपन द डाउनलोड यू नीड टू 32 MB ऑन SD कार्ड। तो आप क्या मतलब डाउनलोड लाइब्रेरी इसके अंदर लाइब्रेरी में स्टोर हो जाएगा कि नेक्स्ट टाइम आप ओपन करें तो आपके उसी लाइब्रेरी में ही सेव मिल जाएगा जो सॉफ्टवेयर है। तो हम इसको यस भी कर सकते हैं, नो भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हम यहाँ पे यस करेंगे इसको, देंगे इसको और प्रोसेसिंग हो रही है। इसमें भी 100% प्रोसेसिंग लेगा ये। इस प्रोसेसिंग में कुछ टाइम भी लग सकता है दोस्तों, क्योंकि ये फाइल के हैवी वर्जन के ऊपर होता है कि वो फाइल कितनी हैवी है। अगर वो ज्यादा हैवी है तो उस पर ज्यादा प्रोसेसिंग टाइम लगेगा, क्योंकि ये MB ज्यादा है। जो कम MB की रहेगी उसके अंदर कम टाइम लगेगा। तो ये फाइल के ऊपर डिपेंड है, आपको इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और ये 68% हो चुका है। मैं आपको दोस्तों कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपके पास जल्द से जल्द आपको मिल सके। और दोस्तों इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में डालना ना भूलें, मैं उस पर जल्द से जल्द सॉल्यूशन आपको मैं कमेंट के माध्यम से या जैसे भी होगा वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारा ये यहाँ पे आ चुका है, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट टाइप का है, स्कैन कॉपी है और हमारे पास इसमें प्रीव्यू में दिख रहा है ये। और हम इसके अंदर आगे ऑप्शन में जाते हैं, यहाँ पे हम पेपर साइज में जैसे कि हम कोई भी पेपर चूज कर सकते हैं। मोस्टली तो हमारा जो प्रिंट आउट का पेपर होता है A4 होता है, A4 पे क्लिक करके ओके कर दिया हमने। और यहाँ पे हमारा प्रीव्यू दिख गया कि उसके A4 के अंदर कैसा दिखेगा। और साथ में हम यहाँ पे इसके अंदर जो है कॉपीज बढ़ा सकते हैं, 1, 2, 3 जितना करना चाहे। और दोस्तों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे हमारे पास एक आ रहा है यूजर एक्शन रिक्वायर। सबसे पहला ऑप्शन है प्रिंट टेस्ट, दूसरा है बाय नाउ, तीसरा है बाय नाउ गूगल पे। तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि ये जो सॉफ्टवेयर है फ्री नहीं है। जो भी फ्री पे आपको वीडियो मिलती है वो सारी फेक है, इसके लिए आपको पे करना होगा।
ये आप डायरेक्ट भी पे कर सकते हो और गूगल नाउ के थ्रू भी पे कर सकते हो। जो हमारा गूगल का है, मैंने इसको गूगल पे के द्वारा परचेज किया है, क्योंकि हम जो है गूगल पता है कि सिक्योर साइट है। मैं किसी वेबसाइट पे क्यों करूं, मैं एक बार टेस्ट करता हूँ क्या मैंने फिर द्वारा। तो मेरे पास दोस्तों फिर पिन टेस्ट का ही पेपर निकल के आया है और कोई पेपर नहीं आया। अब मैं इसके अंदर फिर ऑप्शन करके देख लेता हूँ कि आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है दोस्तों, इसके अंदर कोई ऐसा ऑप्शन नहीं आ रहा है कि आप इसमें प्रिंट कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसको परचेस करते हो, जो कि 291.95 का है विद जीएसटी, आप इसको खरीद सकते हो। ज्यादा कोई रकम नहीं है बड़ी, और ये जिनको यूजफुल है, जैसे कि अगर आपको कंप्यूटर की जरूरत नहीं है, आप हमेशा काम सारे काम क्योंकि आज के समय में सारे वर्क जो है एंड्रॉयड फोन से हो रहे हैं, वहां पे लैपटॉप यूज बहुत ही कम हो रहा है। तो वहां पे अगर मुझे प्रिंट आउट करना है डेली बेसिस में, और मैं चाहता हूँ मेरे पास मेल आ रहा है तो मैं डायरेक्ट प्रिंट आउट करना चाहता हूँ अपने फोन से, मेरे पास वाईफाई वाला प्रिंटर नहीं है, यूएसबी डेटा केबल वाला प्रिंटर है, तो मैं डायरेक्ट अपने फोन से कर सकता हूँ। वहां पे ₹211 वन टाइम का, कोई ज्यादा चार्ज नहीं है, और ये सिक्योर अगर आपको परचेज करना है तो मेरा मेरी रिकमेंड है कि आप इसको गूगल के द्वारा ही आप परचेज करिए, क्योंकि वहां पे आप सिक्योर रहेगा। आपकी जो भी आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग को यूज करते हो, वो भी डिटेल है, वो आपकी सिक्योर रहेगी। और आप मैं जो आपको आगे ये मैंने इसको परचेज कर रहा हूँ, और मैं थोड़ी सी वीडियो स्किप कर रहा हूँ और मैं थोड़ी सी वीडियो स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मैं परचेसिंग की नहीं दिखला रहा हूँ, उसमें मेरी ट्रांजेक्शन डिटेल है। तो मैंने यहाँ स्किप करके मैंने इसको परचेज कर लिया और मेरा ये इसके बाद इंस्टॉलेशन हो गया। अब मैं इसको सीधे ओपन करूंगा क्योंकि अब ये मैंने परचेज कर चुका हूँ, मैंने पेड कर चुका हूँ, सेम स्क्रीन खुल रही है। सेम स्टेप करेंगे हम, एक डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे और उसको चेक करेंगे क्या मैं इसको प्रिंट कर पा रहा हूँ। पेपर साइज सेटिंग मैंने आपको बता ही दी है क्या होता है, फिर भी जब भी आप प्रिंट आउट करेंगे तो मेरी रिकमेंड है कि आप उसको A4 में करिए, क्योंकि जो आपका मैटर है वो फिक्स हो, आपका इधर उधर या कोई इंपॉर्टेंट जो आप जो भी आपका लिखा होगा टेक्स्ट वो आपका कटे ना, तो आप A4 करके ही प्रिंट करिए। और मैं आप इसके क्लिक कर रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ, सेंडिंग अ पेज। इसके अंदर सेम टाइम लेगा और फिनिश प्रिंट जॉब, और यहाँ पे ओके का आ रहा है डन। अब मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि क्या मेरे पास प्रिंट आया या नहीं आया। तो दोस्तों जैसा कि मैं देख रहा हूँ, मेरे पास प्रिंट आ चुका है और ये सेम टू सेम ही है प्रिंट, जो मेरे पास मोबाइल के अंदर शो हो रहा है उसी तरीके का ही प्रिंट है। और मैं ये आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, और दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को जरूर दबा दें।